हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ ग्वार की फली को हम दो तरह की सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं ग्वार की फली से। ग्वार की फली, कुछ लोग इसे कुर्ती की फली भी कहते हैं, बरसेमियाँ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं दो तरह से बना रही हूँ, एक ग्रेवी वाली और एक ड्राई। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुर्ती की फली यानी जो हमारी ग्वार की फली है उसे दोनों साइड्स जो ऊपर नीचे नोक होती है उन्हें कट कर दिया है और उसके बाद उसे एक एक इंच लंबा टुकड़ों में काट लिया है। तो अच्छे से उसके बाद इसे वॉश कर लें, अच्छे से धो लें और उसके बाद अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ये पहले एक बार में इसे पका लूँगी, तो उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में देखिए 1 टेबल स्पून, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल यूज़ किया है और जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, यानी बिल्कुल चुटकी भर ही डालनी है। और उसके बाद मैंने डाला है 1 टीस्पून कैरम सीड यानी अजवाइन, और जब वो अच्छे से भुन जाए तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी और अपनी कटी हुई जो ग्वार फली है उसे इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हम बेसिक पहले इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि बाद में हम इसे दोनों तरह से बना सकें। तो यहाँ देखिए, मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून के आसपास नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1/4 कप यानी 1/4 कप सिर्फ पानी डाल रही हूँ। सिर्फ इसको हमें हल्का सा गलाना है और इसे हम एक विसल देंगे यानी 1 सीटी आने तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए, कुकर ठंडा हो चुका है और अब मैं खोल के इसे आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप इसे एक बार चेक भी कर लें, मेरे आपको करके भी दिखा रही हूँ, ये अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, बिना प्याज बिना लहसुन यानी नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून डाला है और लगभग 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, तो ये मसाला जब हम डालेंगे तो उस मॉइस्चर यानी जो हल्का सा पानी है उसके साथ मिलके थोड़ा सा लिपटी हुई सब्ज़ी हो जाएगी। तो देखिए, ये अच्छे से कोट हो चुके हैं मसाले। अब मैं इसमें थोड़ा सा देखिए 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें देसी घी डाला है और ये अब हम इसमें अच्छे से मिला देंगे। इस सब्ज़ी में थोड़ा सा कच्चा घी का यूज़ करने से सब्ज़ी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो देखिए, सब्ज़ी हमारी एक सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो इसे हम आपको इसी सब्ज़ी से हम दो सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो मैं हाफ इसमें से अलग कर रही हूँ, यानी हमारी जो ड्राई सब्ज़ी है ये एक तरह से तैयार हो चुकी है। आप इसे पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, सूखी सब्ज़ी हमारी ग्वार की फली जो है वो बनके तैयार है। अब हमें ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनानी है। तो देखिए, पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी, लगभग 1/4 ग्लास यानी 1 ग्लास थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारे मसाले ना जलें। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कटोरी दही, ये गाढ़ा दही है, इसे फेंट लेंगे। और नॉर्मल दही है, ना बहुत खट्टा है ना बहुत मीठा है। इस दही में मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून भर के बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, फेंट लेंगे। जब हमारा दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए यानी उबलने लगे, तो ये दही का मिक्सचर हम उस सब्ज़ी में ऐड कर देंगे। ध्यान रखना है, जब हमारी सब्ज़ी बॉइलिंग स्टेज पे आ जाएगी तभी हमें इसमें दही ऐड करना है, अदरवाइज़ आपका दही फट भी सकता है। तो देखिए, अच्छे से बॉईल आ चुका है, बस इसे हम 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमने बेसन डाला है वो अच्छे से इसमें कुक हो जाए। और धीमी आँच पर मैंने इसे 5 मिनट खदकाना है और उसके बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। दोनों ही सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, आप बना के देखें। और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है और यहाँ पे मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो रोटी के साथ या पूड़ी के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो बना के देखें और रेसिपी पसंद आए तो अपने कमेंट्स, अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में दें। तो बहुत जल्द मिलेंगे फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।